अभी 2-3 दिन के बाद, कितना तारीख है? 14 तारीख है ना, 3-4 दिन के बाद पार्टी लेना। किस लिए किस सर? बात का पार्टी होगा उन्होंने बताएगा? अरे हमको तुम भी नहीं पता सर, आप ही बता दीजिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम लोग लास्ट क्लास में तो डिस्कस कर चुके थे फिशर प्रोजेक्शन, नहीं सॉरी, न्यूमन प्रोजेक्शन वाला पार्ट और सोहर प्रोजेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, और हम लोग इसके अलावा एक छोटा सा कंसिडरेशन और यहाँ पे बस मेंशन कर रहे हैं, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जब हम लोग एक स्विच करते हैं कंपाउंड को, तो एक स्विच करने से हम लोग का जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो जाता है। मतलब केवल अगर एक स्विच होगा तो कन्फिग्रेशन हमेशा इन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मान लो कि हम लोग आर कॉन्फ़िगरेशन है और एक स्विच के, तो एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है तो एक स्विच करने से आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ये तो एक फैक्ट है जिसका ध्यान रखना है। एक ये भी फैक्ट ध्यान रखना है, आर को अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो एस दिखाई देता है। शायद ये भी मेंशन कर दिया था पॉइंट, जहां तक हमको ध्यान है, बट फिर भी ध्यान रखना, आर को अगर मिरर में देखते हैं तो एस कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। तो जैसे हम एक छोटा सा सवाल करते हैं, मान लिया क्वेश्चन दे रखा है, तो सवाल में ऐसा पूछा है कि इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, बेसिकली कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, इसके लिए हम लोग पीयूएस सीयूएस दोनों चेक किया करते हैं। और थोड़ा अच्छा सवाल है, पहले तो हम लोग सीयूएस चेक कर लेंगे। तो सीयूएस चेक करने के लिए हम लोग बस ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल के सेंटर के रिस्पेक्ट में सारा पार्ट सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो इधर से नॉर्मल लाइन टू डोमेन, पॉजिटिव डायरेक्शन में नॉर्मल लाइन टू डोमेन, मतलब ये दोनों तो सिमेट्रिकल है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो कार्बन, राइट साइड में जाने पर कार्बन, और लेफ्ट में गए तो डैश पे हाइड्रोजन है, तो दूसरे साइड सॉलिड पे हाइड्रोजन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा सेंटर ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो सेंटर से एक साइड में अगर ऊपर जाएंगे तो वही लाइन दूसरी तरफ एक्सटेंड होकर नीचे जाया करेगा। तो इस केस में अगर एक तरफ सॉलिड पे हाइड्रोजन है तो दूसरी तरफ डैश पे हाइड्रोजन होगा। सिमिलर टाइप से नीचे जाने पे अगर सॉलिड पे ओएच है तो ऊपर जाने पे डैश पे ओएच होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिख रहा है। और लास्ट क्लास में ये पॉइंट मेंशन कर दिया था कि अगर एक नॉर्मल अल्केन टाइप का पार्ट जहाँ पे रोटेशन हो सकता है, कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म हो सकता है, अगर कंपाउंड में सीयूएस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके किसी दूसरे कन्फर्मर में बेसिकली एक लिस्ट फॉर्म में पीयूएस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और ये भी चीज बोला था और हम लोगों का स्टैगर्ड फॉर्म वाले पार्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, गिवन कि सारे के सारे सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे है तो ग्रुप नंबर 1 नीचे होना चाहिए, 2 के अपोजिट में 2 होना चाहिए, 3 के अपोजिट में 3 होना चाहिए, तो हम लोगों का सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम लोगों का एक भी कायरल सेंटर है या 2 कायरल सेंटर है तो इस तरह के केस में पीओएस वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा भी हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट में, जैसे अगर हम लोग ऊपर वाले पार्ट को कंसिडर करें, तो सीओएस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, पीओएस एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी के लिए। तो अगर मान लो इसी मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ करें नीचे थोड़ा, सर मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन स्टैगर्ड बनेगा ना अभी? मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन स्टैगर्ड कभी नहीं बनता है। मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन अगर बनाना होता है तो हमेशा उसको क्लियर फॉर्म में ले जाके ही बनाना होता है। जब मॉलिक्यूल कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में रहता है तो वो उसका एक्लिप्स फॉर्म ही होता है। और इसीलिए हम लोग अभी फिशर प्रोजेक्शन में पॉइंट मेंशन भी करेंगे, कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं निकाल सकते। तो जैसे मान लिया मॉलिक्यूल दे रखा, अगर इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए ऑब्वियसली बात है हम लोग बीच में ही प्लेन रखेंगे यहाँ पे। बट प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए तो ये ब्रोमीन वाला पार्ट यहाँ सामने दिखना चाहिए था। कोई बोल सकता है कि इधर से भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ऐसा कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बना ही सकते हैं इस टाइप का, तो यहाँ पर ब्रोमीन वाले पार्ट के सामने ऐसा ब्रोमीन दिखेगा, बट ये भी पॉसिबल नहीं। चलो ठीक है, हम एंगल थोड़ा सही करते हैं ताकि हम लोग परपेंडिकुलर एंगल टाइप का निकल के और थोड़ा सही करते हैं ये चीज़। तो ब्रोमीन वाला पार्ट परपेंडिकुलर पे मिल रहा है, बट
OH वाले पार्ट के परपेंडिकुलर में थोड़ा ना OH मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एक चीज देखो कि ब्रोमीन के नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट में दूसरा नॉर्मल लाइन अपोजिट चला गया। तो जब भी कभी एक वेज डैश प्रोजेक्शन में नॉर्मल लाइन अपोजिट में है, केवल नॉर्मल लाइन, बाकी बाय डिफॉल्ट अपोजिट में चला जाएगा। अगर नॉर्मल लाइन अपोजिट में है तो यहाँ वाले पार्ट को हम लोग आराम से स्टैगर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, कि हम लोग को पोजिशन की ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग का स्टैगर्ड फॉर्म है तो स्टैगर्ड फॉर्म वाले पार्ट में हम लोग का पीओएस नहीं निकलने वाला, क्योंकि कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है। कभी भी यहाँ पे पीओएस निकालना होगा तो बीच में ही निकालना होगा, कोई भी एंगल ले ले तो कार्बन वाले पार्ट तो मिरर इमेज नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हम लोग का इस कंपाउंड में पीओएस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट एक चीज सोच के देखो, लास्ट क्लास में हम लोग रोटेशन वाला पार्ट डिस्कस किए थे, ये पहला कार्बन को फिक्स रखते हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, बट इस सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन करा रहे हैं और 180 डिग्री रोटेशन करा रहे हैं। मतलब पहला कार्बन को ऐसा फिक्स रख करके, जो भी ग्रुप है ऐसा फिक्स रख के दूसरे का हम लोग रोटेशन कराते जा रहे हैं। तो जब रोटेशन कराएंगे 180 डिग्री, ये ब्रोमीन ऊपर जाएगा, ये OH ग्रुप नीचे जाएगा, ये H वाला पार्ट भी घूम करके, अभी सॉलिड पे है, वो घूम करके डैश की तरफ जाएगा। मतलब ग्रुप वाला पार्ट मान लो ऐसा सॉलिड की तरफ या फिर ऐसा दिख रहा है, तो रोटेट होकर के दूसरे साइड चला जाएगा। तो जब हम लोग रोटेशन कराएंगे इसका बॉन्ड रोटेशन, तो उस केस में हम लोग का ब्रोमीन वाला पार्ट पहले वाले कार्बन में ऊपर है, ये नॉर्मल लाइन नीचे है, वो नॉर्मल लाइन भी रोटेट होकर के 180 डिग्री ऊपर जाएगा, मतलब ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन दिखने लगेगा। दूसरा OH वाला पार्ट जब रोटेट होकर के नीचे आएगा तो अभी ग्रुप डैश पे है, जब रोटेशन होगा तो जैसे ये ग्रुप है इसको हम लोग डैश मानते हैं। अगर रोटेशन हुआ 180 डिग्री तो दूसरे साइड चला गया ग्रुप, मतलब सॉलिड हो गया। और दूसरा OH वाला पार्ट ऊपर है तो अगर रोटेशन होगा तो नीचे भी चला जाएगा। मतलब पहले वाले कंपाउंड OH के रिस्पेक्ट में अगर बात करें हम लोग, तो उस केस में दूसरे वाले कार्बन का OH भी सॉलिड पे नीचे ही आ जाएगा, और H वाला पार्ट नॉर्मल था वो घूम करके नॉर्मल में ही रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल टाइप का ही H रहेगा लेकिन डैश पे चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाले तो ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, कार्बन के सामने कार्बन, H के सामने H, OH के सामने सॉलिड पे OH, मतलब कंपाउंड में POS एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर एक कंपाउंड में COS एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वेज डैश प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, COS एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली कंपाउंड के दूसरे कन्फर्मर में, एक्लिप्स कन्फर्मर में POS भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और हमको इससे भी मतलब नहीं है, मेरे पूरे कंपाउंड में अगर कोई भी कन्फर्मर पॉजिटिव हो गया, मतलब कोई भी कन्फर्मर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, POS COS में से कुछ भी निकल गया उधर, तो पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव मेंशन करते हुए काम करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट कॉल अप्रूस में एक जगह दे रखा है, जहां तक हमको ध्यान है कि इफ एनी कंफर्मर ऑफ अ कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, देन द कंपाउंड विल बी कंसीडर्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसमें एक और चीज सोच के देखो, ये तुम्हारे लिए सवाल है कैलकुलेट करने को, हमको ये दोनों कंपाउंड का कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो ये दोनों के दोनों जो कायरल सेंटर्स हैं, इन दोनों कायरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये बताना है। पहला वाला कायरल सेंटर और दूसरा वाला कायरल सेंटर, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बताओ और ढंग से कैलकुलेट करना। आरएस नोमेनक्लेचर बेसिकली बताना है। ये पहले वाले का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? एस पक्का? पक्का कैसे बोले सर? अरे जो कैलकुलेट करेगा वही ना बताएगा सर। पहला का एस, दूसरा का आर। इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अच्छा नहीं चलो अभी के लिए तो मत बताओ इसका, अभी के लिए तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। पहले वाले में अगर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। सर कैसे हुआ सर? तो कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर देखा था, उस दिन एब्सेंट था तो।
फुटबॉल खेलने चला गया था। अबे तो तुम फुटबॉल खेलने चला जाएगा तो तुमको कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से, लेक्चर देखो इसके बिना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा अगला क्लास। आज तो पढ़ जाएगा बट अगला क्लास कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला, आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। सर सेकंड में दो स्विच करना पड़ेगा ना? हाँ जब भी का स्विच करेंगे तो दो स्विच करेंगे। सर कौन सा लेक्चर था? लेक्चर नंबर कौन सा था हमको क्या मालूम, सेवन था इससे पहले। हाँ जो जिसमें आप आरएस बताए थे वो सेवन था। हाँ सेवन नंबर लेक्चर होगा। चलो ध्यान दो इसमें, जैसे ब्रोमीन वाला पार्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है सीआईपी रूल के बेसिस पे, वो सीआईपी रूल तो हम नहीं बता रहे, ओएच वाला पार्ट सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी और यहाँ कार्बन है तो थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी, वन से टू, टू से थ्री। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एरो है तो इस केस में एस कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, जैसा लिखते हैं वैसे, मतलब ऐसा एरो जा रहा है तो इस केस में एस कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है, और अगर क्लॉकवाइज एरो जा रहा है तो आर एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वन से टू होते हुए थ्री की तरफ जाना है, तो प्रायोरिटी में ग्रुप वन से प्रायोरिटी टू होते हुए थ्री की तरफ जाना है तो इस कॉन्फ़िगरेशन, गिवन दैट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे होना चाहिए, हम लोग से दूर होना चाहिए, वो लेक्चर देखना तब डिटेल में समझ में आएगा। दूसरे वाले केस में बिना स्विच के काम नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड पे है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को पहले डैश पे लेके जाना पड़ेगा। तो जब डैश पे लेके जाएंगे तो एक स्विच यही कर देते हैं एच और ओ एच, बट ये जो ग्रुप है बहुत बड़ा है, इसके साथ छिड़खानी करेंगे तो दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम लोग एच और ओ एच को स्विच तो किए, फिर ओ एच और बी आर को स्विच कर लेते हैं। तो ओ एच नीचे जाएगा, ब्रोमीन सॉलिड पे जाएगा। अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन का है, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी ओ एच का, और ये जो पूरा ग्रुप है इसका प्रायोरिटी थर्ड है। तो वन से टू, टू से थ्री की तरफ जा रहे हैं, तो वन से टू से थ्री इसका मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर किया जा सकता है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डेस्ट पे है, ऐसा स्विचिंग करके ही काम करेंगे। तो हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन आर निकल के आ गया। सर दो स्विच के बाद इमेजिनेशन काम करना बंद कर देता है? नहीं इमेजिनेशन मत करो इस तरह के केस में, स्विचिंग में ही लिख करके काम करो, इमेजिनेशन बिल्कुल मत करो, क्यों इमेजिन करना है। हम जैसे लिखे यहाँ पे एच और ओ एच को स्विच किया तो एच वाला पार्ट ऊपर चला गया, ओ एच यहाँ आ गया, फिर इन दोनों को स्विच किया इस केस में, फिर हम लोग का ब्रोमीन वाला पार्ट ऊपर गया, ओ एच वाला पार्ट नीचे गया। इमेजिनेशन मत यूज करो, इमेजिनेशन वाला चीज मतलब थोड़ा गलती हो सकता है, सीधा लिख करके काम कर लिया करो। तो इस केस में हम लोग का दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन आर है, आना भी चाहिए था। अभी जस्ट ऊपर एक पॉइंट बताया है, एस का मिरर इमेज आर होता है या फिर आर का मिरर इमेज एस होता है। तो अभी जस्ट ऊपर डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों है, मतलब बेसिकली अगर एक कंपाउंड में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकली स्ट्रक्चर है, तो केवल मिरर इमेज की बात नहीं कर रहे, एस का सिमेट्रिकली अपोजिट पार्ट आर हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके थे कि कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है और दूसरे कन्फर्मर में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, और अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और पहले का कॉन्फ़िगरेशन एस निकल के आ गया तो दूसरे का मत निकालो, अगर दिख रहा है तुमको कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन सीधा आर बोल सकते हैं, मतलब एक का अगर एस निकल के आ गया तो दूसरे का आर होगा ही होगा, बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया जा सकता है। जैसे मान लो अभी तक जो भी कंसिडरेशन लेके चले, तो उस कंसिडरेशन में एक हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, तो फिशर प्रोजेक्शन में बिल्कुल ग्रुप सामने सामने होते हैं, मतलब इस ग्रुप के सामने ये ग्रुप होगा, इसके सामने ये ग्रुप होगा और लेफ्ट वाले सामने ये ग्रुप होगा, हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा बनाया जाता है फिशर प्रोजेक्शन में, अगर ऊपर नीचे कायरल सेंटर्स हुआ तो। तो कभी भी फिशर प्रोजेक्शन अगर लेके चलो तो उसको बी से डिवाइड करते हैं, ऊपर का एक हाफ नीचे का है एक हाफ, और कायरल सेंटर्स को सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए, क्योंकि जो ये दोनों ग्रुप है ये दोनों आपस में बिल्कुल सामने सामने होंगे, ये दोनों ग्रुप आपस में सामने सामने होंगे और ये ग्रुप और नीचे का ग्रुप आपस में सामने सामने होगा, ये हमेशा फिशर प्रोजेक्शन का एक छोटा सा रूल होता है। अगर मान लो ये कंपाउंड देखा फिशर प्रोजेक्शन में, तो इस केस में पहले चीज तो ये बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। अब आपको ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, केवल ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, ऊपर वाले कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर तो नहीं है तो एस होगा, highest priority, second highest priority,
थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी सर एच हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में होना चाहिए हां लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल में है इसीलिए आर होगा केस होगा 1 से 2 2 से 3 की तरफ गए तो इस केस में आर होना चाहिए लेकिन क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है तो जो अपना आंसर आता है उसको हम लोग इन्वर्ट करके एक्चुअल आंसर निकाला करते हैं ब्रोमीन हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा कोई दिक्कत नहीं है ओएस सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा कोई दिक्कत नहीं है और नीचे का ये पूरा ग्रुप थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग हाइड्रोजन वाला पार्ट फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अगर 1 से 2 होते हुए 3 की तरफ गए तो हम लोग का ऐसा क्लॉकवाइज एरो आ रहा है मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन तो अगर आर कैलकुलेट करके ला रहे हैं तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल में है तो जो अपना आंसर आया कैलकुलेटेड उसको इन्वर्ट करके हम लोग एक्चुअल आंसर निकाल सकते हैं और अगर पीओएस दिख रहा है ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन एस दिख रहा है तो नीचे का बाय डिफॉल्ट आर होगा कैलकुलेट करके देख लेते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी अगर 1 से 2 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो इस केस में एस होना चाहिए था लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला पार्ट हम लोग के हॉरिजॉन्टल में है तो कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को इन्वर्ट करके आर कंसिडर किया जा सकता है ये एक ट्रिक है जिसको ध्यान रखना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट को निकालने के लिए कभी कभी लोग गलती करते हैं जैसे पहले हम एक सवाल सॉल्व करके बता रहे हैं सॉल्व तो क्या ही कर रहे हैं सॉल्व तो तुमको खुद ही करना है ये बताओ सवाल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है पहला सवाल ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड में है या नहीं है देखिए क्या लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या नहीं देखिए तो नहीं लग रहा ठीक है बढ़िया अब हमको ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन बताओ नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन बताओ ऊपर वाले का एस ऊपर वाले का एस अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया था एस और नीचे वाले का आर आर हाईएस्ट प्रायोरिटी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 से 2 2 से 3 एस होना चाहिए था लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है तो कॉन्फ़िगरेशन आर अब एक चीज सोच के देखो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रहा बट ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन एस है नीचे का कॉन्फ़िगरेशन आर है और ऐसा नहीं केवल कॉन्फ़िगरेशन देख के आंसर बोल दिया करना ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन एस है नीचे का कॉन्फ़िगरेशन आर है और ऊपर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ब्रोमीन ओएच है और नीचे वाले पे भी कायरल सेंटर पे हाइड्रोजन ब्रोमीन ओएच है तो जो ग्रुप्स ऊपर वाले पे है वही सेम ग्रुप नीचे वाले पे है और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है और एस को मिरर इमेज में देखते हैं या सेंटर ऑफ सिमेट्री में देखते हैं तभी तो आर दिखाई देता है तो देख के ऐसा लग रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बट एक्चुअल में मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है इस तरह का सवाल आज तक पूछा नहीं गया है बहुत सिंपल सा चीज लोग इसको केयर नहीं करते लोग इसको ऑप्टिकली एक्टिव है इस टाइप का कुछ बोल देते हैं लेकिन इस तरह का सवाल आराम से पूछा जाना चाहिए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर सकते हैं बट हम तुम लोगों को जब कॉन्फ़िगरेशन बता रहे थे तो उस टाइम पे बोले भी थे ये कॉन्फ़िगरेशन सिलेबस का पार्ट ही नहीं है तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसको यूज करना भी थोड़ा गलत होगा यूज करके आंसर निकाला जा सकता है लेकिन ये सही तरीका नहीं है इसको एक हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के जैसा बोल सकते हैं ये एक फैक्ट है जिसको चेक कर लिया तो उससे आंसर चेक किया जा सकता है ये एक तरीका है अल्टरनेट तरीका लेकिन जब भी कभी हम लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना होगा तो हमेशा स्विचिंग वाला पार्ट ध्यान रखना हमेशा स्विचिंग वाला पार्ट अगर ये कंपाउंड दे रखा ऊपर ब्रोमीन है फिर OH और H है नीचे वाले पार्ट में हम लोगों के पास ब्रोमीन लेफ्ट साइड में दे रखा था H और OH दे रखा था तो हमेशा हम लोग एक कायरल सेंटर पे इवन स्विच कर सकते हैं ये हमको मालूम है और सवाल में अगर चेक करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है तो फिशर प्रोजेक्शन में जो चीज दिख रहा है केवल उसको मत देखना उसके आजू बाजू की चीजों को भी देखना स्विचिंग करके भी देखना इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री कब निकल के आ सकता है तो जब H के सामने H आएगा OH के सामने OH आएगा BR के सामने BR आएगा तब हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ सकता है तो पहले काम करते हैं कि OH के सामने नीचे के OH को ले आते हैं तो हम लोग को नीचे के OH को अगर इसके सामने लाना होगा तो एक स्विच करना पड़ेगा तो यहाँ पे OH जाएगा यहाँ H जाएगा और यहाँ ब्रोमीन जाएगा तो एक स्विच तो हम लोग कर नहीं सकते कायरल सेंटर पे जब भी एक कायरल सेंटर पे एक स्विच करेंगे तो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है हमेशा एक कायरल सेंटर पे दो दो स्विच करना है अपने को तो एक स्विच तो नहीं कर सकते तो दूसरा स्विच यहाँ पे भी कर सकते हैं
यहाँ H जाएगा और यहाँ ब्रोमीन जाएगा, तब OH के सामने OH आ गया, H के सामने H आ गया, Br के सामने Br आ गया। और जब भी कभी एक कायरल सेंटर पे दो स्विच करते हैं तो कंपाउंड का कंफिगरेशन सेम रहता है, मतलब मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम रहता है। तो अगर नीचे वाले पे दो स्विच किए, यहाँ पे मान लेते हैं यार कंफिगरेशन हमको नहीं मालूम क्या है, मान लेते हैं इस कंफिगरेशन है, ऊपर का क्या इससे भी हमको मतलब नहीं है, मान लेते हैं इस कंफिगरेशन है, तो दो स्विच करने पे नीचे का कंफिगरेशन एस की रहेगा, ये हमको बिल्कुल मालूम है और दिख रहा है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मॉलिक्यूल के किसी भी कंफर्मर में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये जो स्विचिंग होता है उससे कंफर्मर ही चेंज होता है बेसिकली। एक स्विच में कंफर्मर चेंज नहीं होगा, बट दो स्विच होगा तो हम लोग का कंफिगरेशन वाला पार्ट मतलब कंफर्मर में रोटेशन करके हम लोग उस दो स्विच में जा सकते हैं आराम से। तो अगर दो स्विच होने के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का रहेगा। सवाल में ये पूछना थोड़ा एब्सर्ड होगा, मेरे हिसाब से थोड़ा एब्सर्ड है कि इस स्ट्रक्चर में या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस मॉलिक्यूल के किसी दूसरे कन्फर्मर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिशर प्रोजेक्शन में अगर इस तरह का स्विचिंग है तो कन्फर्मर बोल सकते हैं, अगर दो स्विचिंग है तो। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो गिवन कन्फर्मर में नहीं है, बट उसके किसी दूसरे रोटेशन के बाद कन्फर्मर में है। तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं ये बोलना थोड़ा एब्सर्ड है, लेकिन हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री हाँ बोलते हुए काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ नो बोलो सर, एक डाउट है कि हम लोग अगर स्विच कर रहे हैं पोजीशन ये ग्रुप्स का तो उससे आइसोमर नहीं बन सकता? नहीं, उससे आइसोमर जब दो स्विच करेंगे तो नहीं बनेगा, अगर एक स्विच करेंगे तो बनेगा। ठीक है, ये हम लोग जस्ट अगले क्लास में डिस्कस करने वाले रिलेशन बिटवीन कंपाउंड, तो उसमें पता चल जाएगा कि एक स्विच करने से क्या होता है। ठीक है, जब दो स्विच करते हैं तो वापस से कंपाउंड सेम ही निकल के आ जाता है, एक स्विच करने से हम लोगों का कंपाउंड आइसोमर बन जाता है। स्टीरियो आइसोमर केवल एक एक स्विचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो ये पार्ट है, दूसरा ऐसा एक छोटा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं, ट्रिक भी नहीं, अभी एक और भी ट्रिक बताएंगे। जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, इसमें पूछा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है, फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पूछेगा बाय डिफॉल्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो जैसे एक चीज सोच के देखना, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करना लंबा तरीका है, हम सजेशन नहीं देंगे, स्विचिंग का तरीका हमेशा बोलेंगे, उसको हैबिट में डालना भी है। तो एक चीज देखो, OH के सामने तो OH है तो उसको तो कुछ नहीं करना है, ब्रोमीन के सामने या H के सामने Br है, Br के सामने H है, तो अगर हम लोग एक स्विच करें तो एक स्विच करने से हम लोग का ये कंपाउंड मिल जाएगा, ऊपर ब्रोमीन एच ओ एच और यहाँ पे ओ एच, नीचे ब्रोमीन और एच। अगर एक स्विच करते हैं, केवल एक स्विच, तो हम लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, बट एक स्विच कर सकते हैं क्या? सिंपल सी बात है, एक स्विच कर सकते हैं क्या? तो एक स्विच तो हम लोग नहीं कर सकते, एक स्विच करने से हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, मतलब अगर यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन है तो मॉलिक्यूल में यहाँ एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। जैसे सिस ट्रांस है तो सिस ट्रांस सेम मॉलिक्यूल थोड़े ना लगे, तो आइसोमर्स है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो ये आइसोमर बन जाएगा, तो हम लोग एक स्विच कभी भी नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा मतलब जुगाड़ टाइप के लॉजिक में अप्लाई करके देखो कि अगर एक स्विच करने पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, जो कि हम लोग कर नहीं सकते कभी, हमेशा हम लोग दो स्विच करते हैं कायरल सेंटर पे, तो अगर नीचे वाले कायरल सेंटर पे एक स्विच करने से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, मतलब जैसे ही दूसरा स्विच करेंगे तो हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। मतलब अगर एक स्विच के बाद POS मिल रहा तो दूसरे स्विच का POS खत्म होगा ही होगा, तो इसलिए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और अगर एक मॉलिक्यूल में जहाँ केवल सिग्मा सिग्मा टाइप का बॉन्ड है, कायरल सेंटर्स है सिमेट्रिकल, वहां पे अगर POS नहीं है तो COS कभी भी नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल फिक्स है। अभी ऊपर भी हम लोग देख चुके थे कि अगर COS है तो POS भी होगा, तो उल्टा भी बोल सकते हैं, POS है अगर किसी मॉलिक्यूल में तो रोटेशन होने के बाद, मतलब बशर्ते वही है कि अल्केन का स्ट्रक्चर होना चाहिए ओपन चेन जहाँ रोटेशन पॉसिबल है, अगर एक में COS है तो POS भी होगा, POS है तो दूसरे कन्फर्मर में COS होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो अगर इस मॉलिक्यूल में POS नहीं है तो COS भी नहीं होने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन से आंसर निकालना एक वैलिड तरीका हो सकता है, लेकिन हम सजेशन देंगे स्विचिंग करके आंसर निकालने का, स्विचिंग करके देखो कि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। फिर इसके अलावा एक पॉइंट ध्यान रखना, ये बहुत ही पॉइंट सिंपल सा रहता है, फिशर प्रोजेक्शन
इज एक्लिप्स फॉर्म. फिशर प्रोजेक्शन हमेशा एक्लिप्स फॉर्म होता है. तो अगर फिशर प्रोजेक्शन एक्लिप्स फॉर्म है तो उस केस में एक्लिप्स फॉर्म में लास्ट क्लास में बोला था कभी भी सीओएस नहीं हो सकता. एक्लिप्स फॉर्म का मतलब ये चीज हो गया, इसमें कभी भी सीओएस नहीं हो पाएगा. एक्लिप्स फॉर्म का सोहर्स प्रोजेक्शन ऐसा कुछ हम लोग लास्ट क्लास में बनाए थे. तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में यहाँ ऊपर ग्रुप है तो नीचे कुछ नहीं है, यहाँ ऊपर ग्रुप है नीचे कुछ नहीं है. एक्लिप्स फॉर्म में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है और फिशर प्रोजेक्शन हमेशा एक्लिप्स फॉर्म है. तो ऐसा लिख देते हैं एक्लिप्स फॉर्म, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये बिल्कुल फिक्स है. जब भी फिशर प्रोजेक्शन में कुछ भी सर्च कर रहे होंगे तो केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री सर्च कर रहे होंगे. ये एक छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान रखना है. जैसे मान लो ये क्वेश्चन अगर होता, और इसमें पूछा है कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि एक्टिव है, तो पीओएस वाला पार्ट तो सर्च हम लोग फिशिंग करके कर सकते थे. सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, देख के लग रहा है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा नहीं क्योंकि कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग अगर फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है. एक्लिप्स्ड का मतलब ये अगर सॉलिड पे है डोमेन तो ये भी सॉलिड पे होगा, अगर ये वाला पार्ट नॉर्मल लाइन पे तो ये भी नॉर्मल लाइन पे होगा. तो नॉर्मल लाइन पे होने का मतलब है कि हम लोग उसके अपोजिट में डैश वाले पार्ट को पुट नहीं कर सकते. इसीलिए कभी भी एक्लिप्स फॉर्म में सीओएस नहीं होता. फिशर प्रोजेक्शन एक्लिप्स फॉर्म होता है, कभी उसमें सीओएस नहीं हो सकता है. बट एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, अगर फिशर प्रोजेक्शन में सीओएस दिख रहा है, दिखने का स्पेलिंग कैसे होता है? ठीक है, बड़ा हिंदी भूल गया यार. अगर फिशर प्रोजेक्शन में सीओएस दिख रहा है जैसे ऊपर वाले कंपाउंड में दिख रहा है तो इस केस में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा. सीधा ऐसा कमेंट कर इंग्लिश में लिख दीजिए सर, हिंदी भूल गए तो. नहीं यार, हिंदी लिखने आना चाहिए, मातृभाषा है हमारी. लिखने तो आना ही चाहिए, भले ही भूल गए बट सीखना चाहिए. खैर, ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है और ये ट्रिक तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा. अगर एक कंपाउंड में सीओएस दिखता है जैसे यहाँ दिख रहा है, होता नहीं है ये बिल्कुल फिक्स है, बट अगर लग रहा है कि सीओएस है इसका मतलब ना कंपाउंड में पीओएस होगा ना सीओएस होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ये कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो पीओएस सीओएस कुछ भी नहीं मिलता है, ये बिल्कुल फिक्स है. तो अगर एक कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन दिया और उसमें सीओएस दिखता है, इस टाइप का दिख रहा है, तो कंपाउंड ना कंपाउंड में ना पीओएस रहेगा ना सीओएस रहेगा, कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आएगा. ये सीधा एक कमेंट कर देना, ये छोटा सा एक ट्रिक ध्यान रखना जो बहुत जगह पे काम में आएगा. कहीं भी ऐसा सवाल दे रखा है, मान लो ये सवाल दे रखा, तो इस कंपाउंड में पूछेगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो स्विचिंग करके हम लोग या फिर कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करके हम लोग रिलेट कर पाएंगे. और कॉन्फ़िगरेशन का कैलकुलेट करके रिलेट करेंगे तो तुम एक चीज बताओ, मतलब तुम लोग कैलकुलेट करो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन और नीचे का कॉन्फ़िगरेशन, और हमको केवल ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन बताना, मतलब हमको दोनों कॉन्फ़िगरेशन मत बताना, हमको केवल ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन बताना. उससे एक और भी ट्रिक बताएंगे तुम लोगों को, तुमको दोनों कैलकुलेट करना है कॉन्फ़िगरेशन, बट मेरे को केवल ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन. जादू दिखाएंगे? नहीं, जादू नहीं है सब कोई, इसको जादू नहीं बोलते सर. लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमको दिख रहा है ऊपर वाला में भी और इसमें भी. प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है ऊपर वाले में इसमें भी, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है ये बताओ, मतलब कौन सा प्लेन है? पहले BR और CH3 को करेंगे स्विच. ठीक है, BR और CH3 को स्विच कर दिया. अच्छा, ऑड हो जाएगा. हां, ऑड हो जाएगा. हमको केवल ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, मतलब हमको आंसर में केवल ऊपर का बताओ, कैलकुलेट तुमको दोनों करना है, तब हम जादू दिखाएंगे थोड़ा. सर ऊपर का आर है. ऊपर का आर है, हाँ दिख तो ऊपर का आर ही रहा है. बाकी लोग कंफर्म कर लो ऊपर का आर है आंसर की? यस है, आर है सर, ऊपर का आर है. हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन का होगा, नीचे वाले पार्ट का सेकंड प्रायोरिटी होगा और सीएसए का थर्ड होगा.
वन से टू, टू से थ्री, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होना चाहिए था, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो आर, अगर ऊपर का आर है तो नीचे का भी आर ही होगा। कैलकुलेट करके देख लो, अगर ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो नीचे का कॉन्फ़िगरेशन आर ही होगा, नीचे का एस कभी भी निकल के नहीं आएगा। अगर एस आ रहा है तो आंसर गलत है तुम्हारा, ऊपर का अगर आंसर एस है तो नीचे का एस ही होगा। आर आ रहा है सर, आ रहा है ना, जादू कुछ नहीं है, इस चीज के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। आर का सिमेट्रिकल पार्ट कायरल सेंटर में एस दिखता है, और हम लोग को दिख रहा है कि इस कंपाउंड में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट, मतलब कंपाउंड में दिख रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब यहाँ से बी आर, बी आर, सी एस थ्री, सी एस थ्री, एच और एच, मतलब कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, जो कि होता नहीं है, फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, बट अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो कंपाउंड में ना पी ओ एस होगा ना सी ओ एस होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कंपाउंड में POS या COS होता तो R के सामने उसका मिरर इमेज हम लोग को S दिखता, बट कंपाउंड में अगर POS या COS एब्सेंट है, इसका मतलब उसका सिमेट्रिकल पार्ट नहीं दिखना चाहिए। अगर सिमेट्रिकल पार्ट दिखेगा मतलब POS COS है ही, बिल्कुल फिक्स्ड है, तो आराम से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में सेम कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर रखा वही चीज नीचे रख सकते हैं। अगर ऊपर का एस होता तो नीचे का भी एस कॉन्फ़िगरेशन होता। कभी इन केस में, और ये ज्योत्सना के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी इन केस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने बोला गया हो, जो नीट में पूछा जाता है आराम से कि कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करो, तो अपने आंसर को कैलकुलेट करते वक्त पूरा कॉन्फ़िगरेशन ऊपर नीचे का मत निकालना, केवल एक का कॉन्फ़िगरेशन निकालना, नीचे देख लेना सिमेट्रिकल है कि नहीं। अगर दिख रहा है सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऊपर का आर आ गया तो नीचे सीधा एस लिख देना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मतलब आर का मिरर इमेज एस दिखेगा। और अगर फिशर प्रोजेक्शन है, जैसे मान लो हम लोग वर्कशीट में कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उस दिन, कोई बढ़िया सवाल, हाँ जैसे ये सवाल है, मान लो क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, अच्छा नहीं क्वेश्चन नंबर टू की बात शायद नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा ज्यादा सवाल हो जाएगा, और कोई अच्छा फिशर प्रोजेक्शन नहीं दिया है क्या, अच्छा नहीं नहीं ये तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोला है, हाँ ठीक है नीचे वाले की बात करते हैं। अरे यार एक भी ढंग का सवाल नहीं दिया है इसमें, सारा सवाल ऐसे रैंडम टाइप का दे दिया, हाँ एक सवाल दिया है, एक मिनट, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 9 वाला पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में देख के ही मालूम पड़ रहा है कि सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसके से सवाल तो आर एस का बोला, और देख के मालूम पड़ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम केवल ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करेंगे, OH हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, COH वाला पार्ट सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा, और नीचे वाला ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाएंगे, तो इस केस में R कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन वाला पार्ट डैश पे मतलब S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर ऊपर वाले का S है तो नीचे वाले का सीधा R लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इन सब ट्रिक को थोड़ा ध्यान रखना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इस टाइप का पार्ट ले सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ही एब्सोल्युटली डिफरेंट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होगा तो भी हम लोगों को दिक्कत है, हम लोग चाहे तो दिमाग लगा के उस चीज को रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 वाला पार्ट है मान लो, तो 11 वाले पार्ट में भी देख के मालूम पड़ रहा है कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हमको नहीं मालूम कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कार्बन नंबर 1 अगर मान लो ये है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, मान लेते कि आर है, हमको नहीं मालूम क्या है, तो नीचे का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा ही होगा, तो आंसर में भी रिलेट किया जा सकता है। मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो दूसरे का आंसर कैलकुलेट मत करना, दूसरे का आंसर रिलेट कर लेना, वो ज्यादा बेटर होगा। इनफैक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने का मतलब सब कुछ एकदम सेम होना चाहिए, थोड़ा रिलेटेबल होगा तो भी हम लोग अपना काम कर सकते हैं। जैसे इसमें हमको कोई भी ऑप्शन ऐसा रिलेटेबल टाइप का नहीं दिख रहा, मान लो हम तुम्हारे उसमें नोट्स में दिखाते हैं, मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, ये कंपाउंड दे रखा, तो इसको देख के तो पता चल रहा है कि हम लोगों का कोई कायरल सेंटर, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करो, आंसर निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज सोच के देखो कि ऊपर वाले कायरल सेंटर में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 बिल्कुल ऊपर है, नीचे का हाईएस्ट प्रायोरिटी सिमेट्रिकली नीचे है,
OH वाला पार्ट सेकंड प्रायोरिटी है और नीचे वाले पार्ट में फ्लोरीन वाला पार्ट सेकंड प्रायोरिटी है। फिर उसके बाद हम लोगों का जो नीचे का ग्रुप होगा, जैसे ऊपर वाले कायरल सेंटर को अगर कंसिडर करें तो उसके रिस्पेक्ट में नीचे का ग्रुप हम लोगों का थर्ड प्रायोरिटी है। तो नीचे वाले कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में, मतलब इस ब्लू वाले कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी होगा और लोएस्ट प्रायोरिटी फोर और फोर सामने है। तो भले ही एटम सेम नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन सेम नहीं है, OH और फ्लोरीन सेम नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज सेम है, सब सिमिलर टाइप के ग्रुप सेम सेम है। जैसे मान लो कि ऐसा होता सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, OH के सामने OH, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, H के सामने H, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली सारे ग्रुप सामने हैं तो प्रायोरिटी सबका सामने सामने है। प्रायोरिटी वाले ग्रुप प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली प्रायोरिटी को देखता है। तो अगर प्रायोरिटी वाला पार्ट सामने सामने दिख रहा है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन आराम से क्रिएट किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि ऊपर मानते भी कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऊपर का एस कॉन्फ़िगरेशन है तो नीचे का आर कॉन्फ़िगरेशन होगा ही होगा, रिलेट किया जा सकता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी 1, 2, 3 मतलब हॉरिजॉन्टल जाने पे ऐसा एस होना चाहिए, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो आर कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर सकते हैं। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो मेंशन नहीं किया हुआ कहीं किसी बुक में, हम गलती से कुछ कुछ कर करके सीख लिए ये चीज। मतलब एक बार हम कुछ गलती पढ़ाए नहीं थे। होता क्या था कि जैसे आगे हम लोग जब इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो इलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों को ये फिशर प्रोजेक्शन को, जब मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रुप दे रखा है ऐसा फिशर प्रोजेक्शन, इसमें ग्रुप नंबर 1, 2, 3 ऐसा दे रखा और नीचे भी मान लेते हैं कि 3, 2, 1 दे रखा, ऐसा ही ले लेते हैं। इसको हम लोग नीमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक फिशर प्रोजेक्शन को नीमन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी चीज होता है। नीमन में कन्वर्ट करते वक्त कोई भी दो कायरल सेंटर जो है, इसमें एक को फ्रंट कार्बन मानो, एक को बैक कार्बन मानो, ऐसा हमको पहले पता था। हम नॉर्मली करते क्या थे कि नीचे वाले कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लिया करते थे, तो हमको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था, तो हम नीचे वाले को फ्रंट कार्बन मानते थे। और बहुत सिंपल सा चीज है फिशर प्रोजेक्शन, इक्लिप्स फॉर्म है सबसे पहला चीज, और इक्लिप्स फॉर्म में फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो सामने सामने होंगे। तो अगर ग्रुप नंबर 1 है तो उसके पैरेलल में नीचे ग्रुप नंबर 1 है, 2 के सामने ग्रुप नंबर 2, मतलब जो भी ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो भी ग्रुप सामने सामने है उसको फिशर न्यूमन प्रोजेक्शन में सामने सामने रखना है। और एक चीज सिंपल सा है, ये ग्रुप नंबर 1 वर्टिकल लाइन पे है तो ये ग्रुप नंबर 1 जाएगा, बैक पे भी ग्रुप नंबर 1 जाएगा। लेफ्ट साइड में ग्रुप नंबर 3 है तो यहाँ ग्रुप नंबर 3 जाएगा और उसके पैरेलल में ग्रुप नंबर 3 है तो 3 को डाल दो। राइट साइड में ग्रुप नंबर 2 है और उसके पैरेलल में ग्रुप नंबर 2 है तो राइट साइड में 2 डाला, पैरेलल में ग्रुप नंबर 2 डाला। ये फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमन में कन्वर्ट करने का तरीका है। हम उस टाइम पे करते क्या थे, अब ये इलिमिनेशन में आता था, हम नीचे वाले को फ्रंट कार्बन मानते थे। तो जैसे अगर नीचे वाला कोई फ्रंट कार्बन मानो तो तुम्हारे न्यूमन प्रोजेक्शन में ज्यादा कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा तुमको। फ्रंट कार्बन में 1 नीचे है तो यहाँ 1 वर्टिकली ऊपर मान लिया, फिर 1 के सामने में पैरेलल पे 1 हो गया। 3 लेफ्ट साइड में है तो 3 लेफ्ट साइड में डाल दिया, 2 राइट साइड में है तो राइट साइड में डाल दिया, 3 के सामने पैरेलल में 3 हो गया बैक कार्बन पे, और 2 के सामने बैक कार्बन के ऊपर 2 डाल दिया। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, बट एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस है। मतलब फ्रंट कार्बन के जगह पे अगर हम लोग बैक कार्बन मान लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। अगर फ्रंट कार्बन रूल वाइज फ्रंट कार्बन हमेशा इसी को मानना होता है, ऊपर वाले को फ्रंट कार्बन, नीचे वाले को बैक कार्बन। अगर ऊपर के जगह पे नीचे को फ्रंट कार्बन मान लिया जो हम लोग का नंबरिंग करने का जो तरीका है वो गलत हो जाएगा, उसके वजह से कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एस दिखने लग जाएगा, जो हम गलती कर रहे थे। क्योंकि उसको ऐसा समझो कि फिशर प्रोजेक्शन में ये ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 था, तो ये जो बैक वाला ग्रुप है, बैक कार्बन, ये भी तो एक ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा, इसको हम लोग ऐसा डिनोट कर रहे हैं। मान लो कि हम लोग का प्रायोरिटी 1 है, ग्रुप की बात नहीं कर रहे अभी, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। ये ग्रुप प्रायोरिटी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन होता, मान लेते प्रायोरिटी 4 है, ये प्रायोरिटी 2 है और ये ग्रुप प्रायोरिटी 3 है। तो अगर हम लोग फ्रंट कार्बन वाले पार्ट की जगह पे, मतलब ये नीचे वाले पार्ट को बैक कार्बन की जगह पे फ्रंट कार्बन मान लिए, तो पहले हम लोग का बैक कार्बन ये था और उसमें प्रायोरिटी 3 बाहर के साइड आ रहा था। बट अगर हम लोग पीछे वाले पार्ट को बैक कार्बन ना मान करके आगे वाले पार्ट को बैक कार्बन बोल दें तो जस्ट उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब ये जो ग्रुप नंबर 3 है उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। बाकी सारा चीज सेम है, 1 यहाँ भी ऊपर है और 2 यहाँ राइट साइड में होगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन जैसा था वैसे ही रहेगा,
बस केवल एक बॉन्ड आगे पीछे हो गया, मतलब एक ग्रुप अगर मान लो कि हम लोग बैक कार्बन लेके चले तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को जैसे ये चीज है, ये बैक कार्बन है ये फ्रंट कार्बन, तो अगर बैक कार्बन को हम लोग गलती से नीचे वाला पार्ट मान लिया तो इसके रिस्पेक्ट में आगे वाले ग्रुप को हम लोग को प्रायोरिटी 3 देना पड़ रहा है, और फ्रंट कार्बन इसको मान लिया तो पीछे वाले को प्रायोरिटी 3 देना पड़ रहा है, तो हम लोग का जो डायरेक्शन है वो एक जगह की जगह बिल्कुल अपोजिट हो गया, कन्फिगरेशन उल्टा हो जाता है। बट एलिमिनेशन करते वक्त हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कन्फिगरेशन उल्टा हो जा रहा है, मेरा आंसर सही आता है, क्योंकि एलिमिनेशन में कन्फिगरेशन से मतलब नहीं होता है, बस इस ओरिएंटेशन से मतलब होता है, तो सिंपली ओरिएंटेशन से मतलब होता है, तो मेरा आंसर हमेशा सही आता था, तो हमको कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी कि ठीक है आंसर तो ठीक ही आ रहा है, मतलब ठीक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक स्टूडेंट फिर बोला था कि सर अगर मतलब वो क्लास में ही बोला कि सर इसमें कन्फिगरेशन में तो सर हम लोग का आंसर उल्टा आ रहा है, यहाँ का कन्फिगरेशन कुछ और है, यहाँ कन्फिगरेशन कुछ और है, तो हमको पता था कि एक को फ्रंट कार्बन मानना होता, बट हम अपने कंफर्ट के हिसाब से नीचे वाले को फ्रंट कार्बन माने थे, तो उस दिन हमको रियलाइज हो गया कि हम ऊपर वाले को फ्रंट कार्बन माने या नीचे वाले को फ्रंट कार्बन माने, कॉन्फ़िगरेशन उससे उल्टा हो जाता है, बट अपने आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन सब ट्रिक्स को उसके बाद ही हम वहाँ पे निकाल पाए। इन सब ट्रिक्स को हम रिपीट करेंगे तुम लोग को याद नहीं रहेगा, इनको लिखवा भी नहीं सकते, ये जो ट्रिक्स अभी तक बताया तुम लोगों को कि ऊपर का मिरर इमेज नीचे दिख रहा है तो आर के रिस्पेक्ट में एस बोल दो, आर के सामने एस कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अगर फिशर प्रोजेक्शन वाले पार्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन दिख रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब कंपाउंड ना सीओएस होगा ना पीओएस होगा, कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जिनका ध्यान रखना। और एक सवाल तुम लोगों को भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस तरह का सवाल हम पहली बार देखे थे लास्ट ईयर, ये सब सवाल थोड़ा ध्यान रखने लायक होगा। ये भी एक बुकलेट तुम्हारे ग्रुप में भेजे, इन सब सवाल को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जो एक अरविंद सवाल पूछा था, जैसे लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में जो आरएस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को करते वक्त हम लोग उसमें आया था कि आर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू एस, तो उसके पीछे क्या रीजन था वो तो हम लोग क्लास में एक्सप्लेन किए थे, उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट यहाँ पे समझ में आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखो E13, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब हमको लगता है कि मेरे हिसाब से हम अपने लेवल पे बहुत अच्छा सवाल देख रहे हैं जो तुम लोगों को पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अकायरल, अकायरल का मतलब, इस वर्ड का मतलब अकायरल सबसे पहला दिन डिस्कस किया था, एक भी कायरल सेंटर नहीं है, एक भी कायरल सेंटर नहीं है तो अकायरल, एक कायरल सेंटर और अकायरल, तो एक ए का मतलब तो एक होता है नॉर्मली, तो अकायरल, तो एक कायरल सेंटर तो अकायरल है कि सर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होता है ना, अगर अगर एक भी कायरल सेंटर नहीं था तो अनकायरल बोलना चाहिए था, एक कायरल क्यों बोला आदित्य, अनकायरल बोल देता, इसलिए तो पूछ रहे हम ज्योत्सना से, ये क्लास किए थे ज्योत्सना अरविंद और पीयूष केवल, यही तीन प्रियांश पीयूष यही केवल तीन क्लास किया था शायद हमको जहां तक ध्यान है। अरविंद अकायरल क्या होता है? सब वो नहीं होता इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं हो, ये सब नलायक एक नंबर का। अरे सबसे पहले दिन बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब कायरल कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मतलब अकायरल कंपाउंड, बताते कि नहीं बताते, सब पहला लेक्चर भूल जाता है कि क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और अकायरल कंपाउंड रेड से लिखवा रखे हैं पॉइंट, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और कायरल कंपाउंड, उतना डिस्कशन भी किए थे चिराल कंपाउंड बोलना चाहिए, कायरल नहीं बोलना चाहिए। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अकायरल, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो जैसे एक चीज देखो यहाँ पे, पहले वाले ऑप्शन को देखो, एक एकड़ का ऑप्शन डिस्कस कर रहा है,
दोनों वाले पार्ट में सिमेट्रिकल कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन नॉर्मल लाइन पे, CH3 नॉर्मल लाइन पे, मतलब एक नॉर्मल बॉन्ड लाइन टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है नहीं क्योंकि लेफ्ट में उसका कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दिया है, इस वजह से दोनों नॉर्मल लाइन नहीं है। और अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, जैसे मान लो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री लेते हैं, पहले तो सिमेट्रिकल प्लेन लेना पड़ेगा, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो दोनों कार्बन तो प्लेन में खत्म हो जाएगा, बट इसके अलावा हम लोग का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसमें इसका मिरर इमेज ये रहेगा हॉरिजॉन्टल पे, मतलब सॉरी नीचे प्लेन के नीचे हाइड्रोजन है तो मिरर इमेज है, प्लेन के ऊपर में ये ग्रुप और ये ग्रुप मिरर इमेज है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि हम लोग का एस कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, मतलब ये वाले पार्ट में एस कॉन्फ़िगरेशन है और सामने वाले में राइट साइड में आर कॉन्फ़िगरेशन, तो एस का मिरर इमेज आर होता है। अगर एस का मिरर इमेज आर है, इसका मतलब पहले वाले एटम पे ग्रुप जिस तरीके से ओरिएंटेड है, दूसरे वाले ग्रुप में सारे एटम्स जस्ट उसके मिरर इमेज के टाइप से ओरिएंटेड है या फिर सिमेट्रिकली ओरिएंटेड है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो S का मिरर इमेज R है, इसका मतलब कम्प्लीटली इधर के कायरल सेंटर का हम लोग सामने वाले कायरल सेंटर पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो इस कंपाउंड में POS एग्जिस्ट कर रहा है, COS तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट कर गया ऑप्टिकली एक्टिव है। बी ऑप्शन देखो, और जिसको जिस ऑप्शन में डाउट होगा पूछ सकता है। बी ऑप्शन वाले पार्ट को अगर कंसीडर करें तो यहाँ से ऊपर जाने पे आर कॉन्फ़िगरेशन, नीचे जाने पे आर कॉन्फ़िगरेशन ही आ रहा है। तो अगर ऊपर आर है नीचे भी आर है तो सिमेट्रिकल पार्ट में आर का मिरर इमेज वाला पार्ट एस निकल के आना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऊपर आर है नीचे भी आर है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट में आर के सामने आर निकल के नहीं आ सकता, मतलब मॉलिक्यूल इस तरीके से ओरिएंटेड नहीं है कि हम लोग को ऊपर का बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट सिमिलर टाइप हो या फिर ग्रुप्स बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में एक लाइन के अलॉन्ग अलाइंड हो। तो यहाँ वाले पार्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, POS तो वैसे भी नहीं हो सकता है, तो POS की हम लोग बात यहाँ पे करेंगे क्या? POS वाला पार्ट, हाँ ठीक है, POS नहीं हो सकता। जैसे दो POS की पॉसिबिलिटी है, एक ये पार्ट, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर के सामने उस तरह का ग्रुप नहीं है। दूसरा एक POS यहाँ हो सकता है, ये एटम, अगर यहाँ पे पीएस होगा तो ये एटम हाइड्रोजन एटम, इधर का हाइड्रोजन एटम और ये कार्बन एटम, ये सारा का सारा पार्ट उसी प्लेन में कट जाएगा और ऊपर का कार्बन नीचे का कार्बन ये दोनों एक दूसरे का मिरर में जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट तो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, बट एक चीज सोच के देखो, जैसे अगर ये पार्ट प्लेन में रहा भी तो यहाँ पे जो ग्रुप है क्लोरीन कार्बन वाले पार्ट के ऊपर CH3, यहाँ पे H, तो अगर ये एटम प्लेन में कट भी गया तो इन तीनों में से कोई एक एटम और प्लेन में एक्स्ट्रा कटेगा, बट बाकी बचा पार्ट इधर सॉलिड पे होगा या डैश पे होगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब दो एटम प्लेन में नहीं कटने वाले हैं, अगर ये कार्बन एटम प्लेन में खत्म हुआ तो कार्बन CH3 का कार्बन, क्लोरीन या हाइड्रोजन, इन तीनों में से कोई एक एटम प्लेन में कटेगा। मान लो हाइड्रोजन कट गया तो CH3 और Cl बीच से बिल्कुल बीच से डिवाइड होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के नहीं आएगा, पहला चीज। अगर हम लोगों का क्लोरीन कट गया तो यहाँ से दो सिमेट्रिकल डिवीजन होने की कोशिश होगी, CH3 और H, ये भी कट नहीं सकता, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते। तो अगर हम लोग का प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आने का चांस निकलता भी है तो भी हम लोग यहाँ पे इन ग्रुप्स के अलग होने की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री ऊपर वाले एटम के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सिमिलर टाइप से नीचे में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के नहीं आ पाएगा। तो ये जो हम लोग प्लेन बनाए थे, ये वाला पार्ट अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के नहीं आ सकता, कंपाउंड में ना POS है ना COS है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकता है। थर्ड वाले केस में एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली सेम। सर COS कैसे नहीं हुआ सर इसमें? सर ऑपोजिट एक्शन टाइम में तो सेम ही ग्रुप मिल रहा है, ग्रुप सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखो, R के सामने R कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो R के सामने सिमेट्रिसिटी में हम लोगों को S मिलना चाहिए। जैसे दूसरे वाले स्ट्रक्चर को देखो, सी वाले पार्ट में आर के सामने आके दिख रहा है, तो अगर सेंटर है, सेंटर से ऊपर गए, आर कॉन्फ़िगरेशन मिला, तो अपोजिट साइड में क्या मिलना चाहिए अपने को? तो सिमेट्रिकल के लिए हम लोग को अपोजिट साइड में एस मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? तो ऐसा समझ लो कि जैसे ये हम लोग का प्लेन है, अगर यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो दूसरे साइड में हम लोग को उसी चीज के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि यहाँ एक कायरल सेंटर होता है, एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि कायरल सेंटर होता, तो एक ग्रुप ऊपर है और बाकी सारा ग्रुप तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, एक ग्रुप नीचे है, बाकी सारा ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्लेन में टाइप से दे रखा, यहाँ पे एक ग्रुप नीचे है और बाकी दो ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो हम लोग के इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, क्योंकि एक ग्रुप ऊपर है, दूसरा ग्रुप नीचे है, बाकी दो ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्लेन में है,
तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन उल्टा टाइप के निकल के आना ही आना है। तो अगर हम लोग सिमेट्रिसिटी की बात करें तो आर के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में एस दिखाई देना है, यहाँ वाले पार्ट में आर है, यहाँ आर है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना चाहेगा। कार्बन हो गया, कार्बन वाले पार्ट पे हम लोगों का हाइड्रोजन हो गया, उसके अलावा हम लोग सॉलिड वाले पार्ट पे क्लोरीन को रखते हैं और सी एच थ्री वाले पार्ट को डैश पे रखते हैं, एक पॉसिबिलिटी। और नीचे वाले पार्ट में कार्बन हो गया, कार्बन वाले पार्ट में अगर हम लोग आर कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन सेट कर ही देते हैं, नहीं हाइड्रोजन को हम डैश पर रख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, मान लेते हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के आना है ऊपर जाने पे, ठीक है। सॉलिड है, नहीं सॉलिड है तो इसके अपोजिट में डैश टू ग्रुप होना चाहिए, नीचे यहाँ पे डैश ग्रुप आएगा, सॉलिड ग्रुप आएगा। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री बनाना है तो ऐसा कुछ ग्रुप आना चाहिए, यहाँ से ऊपर गए तो कार्बन, नीचे गए तो कार्बन, यहाँ से डैश पे हाइड्रोजन है, मतलब ऊपर है बट डैश की तरफ हाइड्रोजन है, तो नीचे सॉलिड की तरफ हम लोगों को हाइड्रोजन मिलेगा। फिर यहाँ से क्लोरीन वाला पार्ट सॉलिड पे है तो दूसरे वाले साइड में क्लोरीन वाला पार्ट डैश पे, और नॉर्मल लाइन पे सी एच थ्री तो नॉर्मल लाइन पे सी एच थ्री, तब जाके हम लोग को सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट निकल के आ सकता है। तो अगर मान लो कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करना शुरू करें, तो कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में ऊपर वाले पार्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यहाँ पे सोच के बताओ। केवल ऊपर वाले कार्बन की बात कर, ऊपर वाले पार्ट में S, क्लोरीन वाला पार्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी, नीचे वाला ग्रुप सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आएगा, CH3 वाला पार्ट थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी आएगा, तो 1 से 2, 2 से 3 S कॉन्फ़िगरेशन होगा। नीचे वाले पार्ट में अगर दो स्विच करते हैं, हाइड्रोजन वाला पार्ट एक स्विच में इधर गया, CH3 आया, Cl वाला पार्ट उधर गया, तो Cl इधर हो जाएगा, CH3 इधर हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, तो 1, 2, 3 यार कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ भी ऐसा रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमको ठीक दिख रहा है इसमें। सर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री में बताए थे कि जो सॉलिड रहता है उसका मिरर इमेज में सॉलिड आना चाहिए और डैश का डैश में आना चाहिए। CH3 वाले पार्ट में कार्बन तो ठीक दिख रहा है हमको सिमेट्रिकल, हाइड्रोजन अगर डैश पे है तो नीचे जाने पर हाइड्रोजन सॉलिड पे होना चाहिए, ठीक है। CH3 वाला पार्ट डैश नॉर्मल लाइन पे है तो नीचे CH3 नॉर्मल लाइन पे ही होगा। अगर ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन S है तो नीचे वाले पार्ट में हम लोगों का स्विचिंग किए, एक स्विच CH3, Cl और H, हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी, नीचे का भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है यार, नीचे का आना ये था आर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में, तो आर कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या इसमें गलती कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में आर और एस दे रखा, एक मिनट, अगर सी एस थ्री सॉलिड की तरफ है तो नीचे अलग ग्रुप में सी एस थ्री डैश की तरफ होगा, ये तो होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। सी एल नॉर्मल लाइन पे डाले तो सी एल नॉर्मल लाइन पे है, और अगर स्विचिंग करेंगे तो हाइड्रोजन को डैश पे लेके जाना है, मतलब यहाँ क्लोरीन होगा, यहाँ एच होगा, सी एस थ्री और एच और सी एस थ्री डाल दिए,
तो कंपाउंड में एक प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, दबार कॉन्फ़िगरेशन ही आ रहा है। और ऊपर में भी एक स्विचिंग किया तो दबार कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, 1, 2, 3। एक छोटा सा हम गलती कर रहे हैं, शायद हो सकता है एक छोटा सा हम गलती कर रहे हैं। अगर हम लोगों का ये ऊपर वाला जो सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, हम शायद इस चीज में गलती कर रहे हैं जो हमको लग रहा है। क्योंकि अगर हम लोगों का जैसे हो सकता है, शायद एक चीज पॉसिबिलिटी सोच के देखना, जैसे अगर मान लीजिए सॉलिड वाला पार्ट ऊपर तो रहा लेकिन ऐसा रहा ऊपर CH3, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एस ही रहेगा क्या? मतलब जैसे ऊपर वाले पार्ट में अगर यहाँ CH3 जहाँ पहले दे रखा था, क्योंकि हो सकता है डायग्राम बनाने के ओरिएंटेशन में हम गलती कर रहे हैं, मान लो ये CH3 वाला पार्ट ऐसा दे रखा है सॉलिड पे, लेकिन अगर अभी हम लोग ऊपर क्लोरीन, ये जो ग्रुप है कार्बन वाला, ये सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी और CH3 थर्ड है, इस डायग्राम के हिसाब से अगर काम करें तो देख के ऐसा लग रहा है कि 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो इस केस में क्लॉकवाइज एरो है, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन है। बट अगर यही सॉलिड ग्रुप हम लोग का यहाँ पे होता है तो सॉलिड लेकिन दूसरे साइड होता, मतलब जैसे एक चीज हो सकता है कि नॉर्मल लाइन वाला पार्ट तो 109 पे हो गया, बाकी डैश हाइड्रोजन है और CH3 वाला पार्ट सॉलिड की तरफ रहेगा। अगर ऐसा डायग्राम होता तब उस केस में फिर हम लोगों का प्रायोरिटी वाला पार्ट 1 से 2, 2 से 3 ऐसा एंटी क्लॉकवाइज टाइप का दिखता, तो शायद हो सकता है कि हम डायग्राम बनाने में थोड़ा गलती कर रहे हैं। बट ठीक है, इस पॉसिबिलिटी पे अगर डायग्राम लेके चले तो हम लोगों का नीचे का डायग्राम भी चेंज होगा, और जब नीचे का डायग्राम चेंज होगा तो अगर यहाँ सॉलिड है तो इसका मिरर इमेज वाला पार्ट हमको, एक तो हाइड्रोजन वाले पार्ट पे यहाँ सॉलिड वाला पार्ट निकल के आएगा, दिक्कत नहीं है, यहाँ वाले पार्ट में डैश निकल के आएगा, बाकी क्लोरीन वाला पार्ट CH3 वाला पार्ट डैश पे है, H वाला पार्ट सॉलिड पे है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है। बट इसको स्विचिंग करके अगर हम लोग को डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक स्विच किया, हाइड्रोजन इधर आएगा, CH3 इधर आएगा, फिर CL वाला पार्ट इधर आएगा और CH3 इधर जाएगा, तो अपने स्ट्रक्चर में 1, 2, 3, हाँ ठीक है, 1, 2, 3 ठीक है, हम लोग डायग्राम बनाने में गलती कर रहे हैं बेसिकली। मतलब हो सकता है कि हम डायग्राम बनाने में गलती कर रहे हैं, जैसे जो हम डायग्राम पहले बनाए थे वो इस टाइप का डायग्राम था, ये दो नॉर्मल लाइन है। अब नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इससे 109 डिग्री पे एक लाइन ओरिएंटेड होना चाहिए, तो बाकी जो दोनों बॉन्ड है उसको हम लोग आराम से इस साइड में रख सकते हैं, एक सॉलिड वाला पार्ट, एक डैश वाला पार्ट, होता यही है कि जो नॉर्मल लाइन उसका पूरी डायरेक्शन में है, बट हम डायग्राम में ऐसा कुछ बना दिए थे, मतलब उस साइड में इस सॉलिड वाले पार्ट को प्लेस नहीं किए थे, हम सॉलिड वाले पार्ट को दूसरे डायरेक्शन में प्लेस कर दिए थे, इस साइड में प्लेस कर दिए थे, तो ये डायग्राम के ओरिएंटेशन की वजह से अपना आंसर अलग आ रहा था। मतलब अगर हम लोग एक नॉर्मल ऐसा लाइन बनाते हैं, मतलब नॉर्मल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हम लोग का सॉलिड वाला पार्ट और डैश वाला पार्ट एक ही साइड में ओरिएंटेड होता है, तो अगर मान लो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा रोटेट कर दें, ये मॉलिक्यूल को थोड़ा ऐसा कर दें, इसको हॉरिजॉन्टल कर दें, वर्टिकल कर दें ऐसा, तो इस केस में जो डैश वाला पार्ट है और जो सॉलिड वाला पार्ट है वो दोनों उस बॉन्ड के दूसरे साइड ओरिएंटेड होगा। तो ये जो ओरिएंटेशन बना है, ये डायग्राम बनाने का तरीका शायद गलत है, इस वजह से आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पे अगर सॉलिड रहा तो इसका अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री बनाना है अपने को तो कैसे बना पाएंगे, तो सारा कुछ सिमेट्रिकल होना चाहिए। मान लेते हैं कि डैश पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन वाला पार्ट सॉलिड पे है, CH3 वाला पार्ट नॉर्मल लाइन पे है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में जो नीचे वाले पार्ट में नॉर्मल लाइन होगा उस नॉर्मल लाइन पे CH3 के अपोजिट में CH3 डाल दिया। दूसरा, ये पार्ट सॉलिड पे है तो इसका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट है वो पार्ट डैश पे होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल रिंग के साइड में आते हुए डैश पे दिखना चाहिए, तो यहाँ वाले पार्ट पे क्लोरीन दिखेगा, और हाइड्रोजन वाला पार्ट डैश पे ऊपर जा रहा तो नीचे वाले केस में हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड पे नीचे आएगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा, सेंटर से यहाँ के ऊपर क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, CH3 CH3, सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा है। अब अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को कैलकुलेट करना शुरू करें, मतलब कंपाउंड वाले पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करें ऊपर वाले पार्ट का, तो लोएस्ट प्रायोरिटी क्लोरीन वाला पार्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, ये ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी और CH3 थर्ड प्रायोरिटी, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं क्लॉकवाइज एरो, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है। नीचे वाले पार्ट में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हम लोग का डैश पे नहीं है, नीचे वाले ग्रुप में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड पे है, तो पहले एक स्विच किया तो यहाँ एच गया,
यहाँ सी एल आया, फिर दूसरा स्विच किया तो यहाँ सी एल गया और यहाँ सी एस थ्री आया। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लोरीन है, सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर वाला ग्रुप है, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी सी एस थ्री है। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एरो मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ रहा है। तो ऊपर में अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री उसका एस कॉन्फ़िगरेशन निकल के आना चाहिए, तभी जाके मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो पाएगा। अगर मान लो इस कंपाउंड में केवल हम एक डिफरेंस कर देते हैं, केवल एक डिफरेंस, कि हम लोग का जो यहाँ पे क्लोरीन है उस क्लोरीन वाले पार्ट को हम कंसिडर ना करके वहां पे हम एच को डाल दें, यहाँ एच डाल दें, यहाँ क्लोरीन डाल दें, तो कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के नहीं आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने पे क्लोरीन अगर सॉलिड पे है तो नीचे जाने पे क्लोरीन ही डैश पे होना चाहिए, बट वो दोनों ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो गए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का चीज है, बट फिर भी जैसे यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम वाले पार्ट में अगर हम लोगों का सेंटर के रिस्पेक्ट में ऊपर जाने पे जो कार्बन सेंटर मिल रहा, अगर वहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन है तो दूसरे साइड में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तभी हो पाएगा जब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए, बट यहाँ पे भी आर ही कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो आर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह के स्ट्रक्चर में आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन वाला पार्ट मतलब क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन डैश पे होता, क्लोरीन वाला पार्ट हाइड्रोजन की जगह पे होता, तो 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी मतलब क्लोरीन हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ऊपर वाला रिंग सेकंड प्रायोरिटी है और CF3 थर्ड है, तब यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा जो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बना पा रहा। तो इसीलिए इस कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना है फिर से तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा चीज हो गई है बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और अरविंद तुम्हारा वाला डाउट क्लियर हुआ इसमें जो तुम बोला था? यस सर। मतलब सही से क्लियर हो गया कि थोड़ा बहुत गड़बड़ रह गया उसमें कुछ? नहीं सर ठीक है, क्लियर हो गया बढ़िया से। ये चीज देख लेना, जैसे ये थर्ड ऑप्शन है तो आर के सामने यहाँ एस कॉन्फ़िगरेशन है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट यहाँ पे सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, आर को अगर हम लोग सिमेट्रिकली देखेंगे तो एस कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देना है। अगर आर के सामने यहाँ पे एस है तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेकेंड वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, आर के सामने आर है। और लास्ट ऑप्शन तो मेरे हिसाब से सिंपल सा सवाल है, लास्ट ऑप्शन वाले पार्ट को देखो। इस केस में ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री डायरेक्टली दिख रहा है, ये दोनों एटम प्लेन में कट जाएगा आराम से, तो हम लोग को ऊपर वाले पार्ट में सी ओ एच के सामने सी ओ एच, ओ एच के सामने ओ एच, एच के सामने एच, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से निकल के आ रहा है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, किसी भी कन्फर्मर में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, बस ये सवाल जानना है हमको। नहीं मतलब ऑल्दो फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता नहीं है, बट किसी भी कंफर्मर में फिशर प्रोजेक्शन नहीं होता, ओरिजिनल मॉलिक्यूल होता तो सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल के आता क्या? ओरिजिनल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, फिशर प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहा। नहीं तब भी नहीं निकल के आता, क्योंकि यहाँ सेंटर में एक तरफ ओ एच है और एक तरफ एच है, तो यही दोनों एटम सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट के अंदर। हाँ वो भी एक चीज है, नहीं ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फिर भी दिक्कत नहीं है, अगर इस OH के जगह पे H होता तो इस केस में आराम से सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला इक्वल हो जाता ना सर, दो OH हो जाता फिर चार H हो जाता। अच्छा उस सेंस में बोल रहा है क्या? हाँ ये भी एक सेंस हो सकता है। चलो ठीक है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी एस का। सही है चलो ठीक है, अगले साल ये भी एक ट्रिक हम ऐड कर ले कर लेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट में जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन वाला पार्ट ऑड नंबर पे चला गया तो इसलिए भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता है। जब सिमेट्रिकल का मतलब है सब कुछ एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए, दो इक्वल पार्ट में डिवीजन तो नहीं हो पा रहा, तो मॉलिक्यूल में सारे एटम्स ही सिमेट्रिकल नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है तो इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बना पाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री बना पाएंगे क्योंकि ये दोनों एटम प्लेन में कट जा रहा है तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। और एक और चीज सोच के देखो इस सवाल में, ये ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कैलकुलेट करके बताओ, केवल ऊपर वाले कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन। आर आर आर
वन टू थ्री ठीक है, ऊपर वाले का आ रहा है तो नीचे वाले का क्या होना चाहिए? एस एस मिरर इमेज है तो एस है। अब जब हम लोग सेंटर वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ऊपर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप सेम है तो नीचे वाला पार्ट मतलब बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन और नीचे का कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है तो ये वाला पार्ट एक कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करेगा। इस चीज को हम लोग सूडो कायरल सेंटर बोला करते हैं। और सूडो कायरल सेंटर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी OH का है, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी हम लोग का सॉरी फोर्थ प्रायोरिटी हम लोग का H का होगा। ऊपर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, एटम वाइज सेम है, लेकिन CIP रूल में बताया था R कॉन्फ़िगरेशन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू S। इसका मतलब 1 के बाद ये ग्रुप नंबर 2 ऊपर हायर प्रायोरिटी होगा, ये वाला पार्ट थर्ड प्रायोरिटी होगा। 1 से 2, 2 से 3 अगर जा रहे हैं क्लॉकवाइज एरो मतलब R होना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो बीच वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन S निकल के आ जाएगा। तो ऊपर वाले का R कॉन्फ़िगरेशन, बीच वाले का S कॉन्फ़िगरेशन, नीचे वाले का S कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो जब भी कभी दो सिमेट्रिकल कायरल सेंटर के बीच में एक एटम हुआ जिसमें दो ग्रुप्स अलग है और बाकी सिमेट्रिकल कायरल सेंटर अटैच्ड है, तो इस तरह का एटम कभी कायरल सेंटर के जैसा बिहेव कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। अगर नीचे का कॉन्फ़िगरेशन भी आर होता तो ऊपर में और नीचे में कोई डिफरेंस नहीं होता, तब हम उस केस में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आर के सामने आर है तो बीच वाले को कायरल सेंटर नहीं मान सकते थे। बट क्योंकि नीचे का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आया है तो फिर बीच वाला एटम में कुछ तो डिफरेंस आ गया ऊपर नीचे वाले पार्ट में, आराम से उसको कायरल सेंटर के जैसा बिहेव करा सकते हैं। ऐसे कायरल सेंटर्स को हम लोग सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। इस ओरिएंटेशन में कॉन्फ़िगरेशन लिखना पॉसिबल है, अगर नीचे वाले पार्ट में आर होता या ऊपर वाले पार्ट में एस होता तो इन दोनों केसेस में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन ही नहीं कर पाते, तब अपना कायरल सेंटर के जैसा बिहेव नहीं करता। तो ये एक सवाल था जो हमको लगा कि बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारे बुकलेट में, प्लेन ऑफ सिमेट्री से मतलब जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। आंसर में अकायरल मॉलिक्यूल बोला है, अकायरल मॉलिक्यूल वाले पार्ट में एक तो पहला वाला पार्ट अकायरल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर सी वाला पार्ट अकायरल हो जाएगा और डी ई वाला पार्ट अकायरल हो जाएगा, ए बी और सॉरी डी वाला पार्ट। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे तीन आंसर होना चाहिए। क्या क्या दिया इसमें आंसर? देखिए इस तरह का सवाल हम कहीं पे नहीं देखे नॉर्मली, हम पहली बार जहां से देखे थे वहां से क्वेश्चन आए थे। ए सी और डी वाला पार्ट आंसर दे रखा है, ठीक है आंसर दे रखा है। मतलब नॉर्मली लोग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में ये तो बिल्कुल किसी को पता, मतलब पता तो डेफिनेटली होता है, इनेंशुमर में हम लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन लोग इस चीज को यूज नहीं करते हैं। तो ये सवाल इसलिए हमको बहुत अच्छा सवाल लगा है। अभी तक हम जितने भी सवाल देखे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा सवाल हम आज तक नहीं देखे थे, एक सवाल है जो हमको बहुत अच्छा लगा। बाकी सवाल तो हर तरफ से हर जगह पूछा गया, सवाल आते ही रहते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये सब बहुत नॉर्मल टाइप का सवाल है, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को फिशर प्रोजेक्शन समझ में आ गया, न्यूमन प्रोजेक्शन वाले पार्ट का ओरिएंटेशन तो बता दिया, न्यूमन प्रोजेक्शन का सवाल तुमको एक दो सवाल खुद से ही सॉल्व करना होगा। हम बाईफिनाइल का स्ट्रक्चर नहीं बता रहे, टाइम थोड़ा निकल गया, बट बाईफिनाइल का स्ट्रक्चर फिर नहीं बता रहे क्योंकि बाईफिनाइल हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंसिडर कर चुके थे, और क्योंकि तुमको मालूम है कि बाईफिनाइल कैसे एग्जिस्ट करता है, बाईफिनाइल मतलब जैसे इस तरह का ये पार्ट कैसे एग्जिस्ट करता है, तो फिर इस तरह के केसेस में या फिर ये बाईफिनाइल है तो इस केस में मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है, तो इसमें अपना इमेजिनेशन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्पाइरो कंपाउंड में भी सिमिलर टाइप का सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसी बुकलेट से तुम लोगों को क्वेश्चन देने वाले हैं होमवर्क में, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। वर्कशीट में तो हम लोग का POCS हो ही चुका था, कुछ बचा तो नहीं है वर्कशीट में POCS के अलावा, एक बार हम देख लेते हैं। सर C एंड E इज फेस टू F का मतलब क्या क्या क्या? C एंड E इज फेस टू F का मतलब C एंड E इज फेस टू F F F ये हम लोग का NTSC में आया था पिछले साल, तो इसका दिक्कत है ये ट्रांसलेशन देखेंगे। मतलब एक इंसान के फेस टू फेस में दो इंसान कैसे हो सकता है राउंड टेबल पे, गलत दिया हुआ था क्वेश्चन में।
राउंड इसका हिंदी ट्रांसलेशन में सही दिया हुआ था लेकिन इंग्लिश में गलत दिया हुआ था। हाँ सर ये क्वेश्चन गलत था। हिंदी ट्रांसलेशन में क्या दे रखा था? हिंदी में सही दिया था डेटा। अच्छा C and E is face to face to F, तो दो तो face to face नहीं हो सकता but हाँ ठीक है। ये झारखंड वाले में तो गलती था, कुछ कुछ और भी सवाल में गलती था उसमें, बट उसका कोई करेक्शन भी नहीं किया वो लोग। गलत जगह तुमने पैदा ले लिया है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। झारखंड और बिहार में पढ़ने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ये दोनों क्वेश्चन 23 और 24 ट्राई करना है तुम लोगों को, देख के मालूम पड़ जाएगा। इसमें दो तीन चीजें ट्राई करके देख लेना। पहला चीज ये कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, कंफर्मेशन घुमा घुमा के अज्यूम करके देख लेना। घुमाने का मतलब ये चीज ऐसा घुमाया, फिर थोड़ा और घुमाया, फिर थोड़ा और घुमाया, फिर थोड़ा और घुमाया, ऐसा रोटेशन करके, मतलब 60 डिग्री रोटेशन, 120 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन, 240 डिग्री रोटेशन, 300 डिग्री रोटेशन और 360 का मतलब तो घूम के वहीं पे आ गए। ये सारे रोटेशन चेक करके देख लेना पहला। दूसरा इसका सौहर्स प्रोजेक्शन बना के देखना। सौहर्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए जैसे आप फ्रंट कार्बन पे ऐसा साइड से देखेंगे अगर, तो ये फ्रंट कार्बन का फ्लोरीन ऊपर दिख रहा है, तो बैक कार्बन का फ्लोरीन नीचे दिख रहा है, ऐसा साइड में ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन एक बॉन्ड ऊपर दूसरे साइड नीचे। अब सौहर्स प्रोजेक्शन में जैसे अगर एक न्यूमैन प्रोजेक्शन को सौहर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना थोड़ा आसान हो जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना भी थोड़ा आसान हो जाता है। इन सब चीजों को एक बार एज्यूम करके देखना क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 वाले पार्ट में। फिर उसके बाद पीओएस यूएस तो हो गया, ये हम लोग का नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड। और आरएस नोमेनक्लेचर जो लोग नहीं देखे हो आरएस नोमेनक्लेचर देख करके आ जाना। आदित्य आर्यन तुम्हें बस एक नहीं दे रखा है तो आरएस नोमेनक्लेचर देख के आना, अदरवाइज आगे वाले क्वेश्चन में द टॉपिक में थोड़ा दिक्कत होगा तुम लोगों को। ये तो तुम्हारे वर्कशीट में तुम्हारे दो क्वेश्चन बाकी रह गया था, इन दोनों को ट्राई करना है। वर्कशीट के अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए पूरा ही सॉल्व करना होगा शायद से। एक मिनट हम देख लेते हैं सेक्शन ए में। हाँ ठीक है, सेक्शन ए वाले पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सरसाइज वन का सेक्शन ए। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिकल, ये वर्ड अभी छोड़ सकते हैं, डाइस्टीरोमर। डाइस्टीरोमर एक सर्टेन टाइप का आइसोमर है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ऐसा समझ लेना जो भी आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो सब डाइस्टीरोमर होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरोमर बोला मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ लेना अभी के लिए, नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा डाइस्टीरोमर क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल डाइस्टीरोमर बोलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने का है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर सेक्शन बी पूरा सॉल्व करना है, ए एंड बी बोथ। फिर उसके बाद और ए एंड बी में ऐसा भी करना ट्राई, एक तो फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखना और दूसरा काउंटिंग करके भी देखना, ठीक है? मतलब दोनों हमसे सजेशन देंगे, काउंटिंग करने वाले पार्ट को सीखो थोड़ा, काउंटिंग करने आना चाहिए। फॉर्मूला तो अप्लाई करना आना ही आना है बट काउंटिंग करने भी आना चाहिए, काउंटिंग करके भी देखना क्वेश्चन को। सेक्शन बी वाले पार्ट के बाद ईजेड नोमेनक्लेचर ये भी कर सकते हैं आराम से। सेक्शन सी, सेक्शन सी वाले पार्ट पे तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो उसमें होगा ये सब क्या बोलते हैं टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह कुछ कुछ चीज दे रखा होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं सॉल्व करने लायक है तो छोड़ सकते हैं। बाकी ये चीज जैसे साइक्लोडेकीन में अच्छे फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दिया, केवल सीस और ट्रांस बोला है, ये सब सवाल तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज टीरोमर चलेगा काम, फ्रैक्शनल डिस्क्रिप्शन चलेगा काम, उसके आगे वाले चीजों की कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। डाइस्टीरोमर ये भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद सेक्शन डी वाले पार्ट में सर नेक्स्ट क्लास कल है, कल ही है क्या? अच्छा कल है तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर छोड़ देना, सेक्शन एबीसी होमवर्क है उसको उसके आगे कर लेना, मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद कर लेना, पहले ये कर लेना ऑप्टिकल आइसोमर वाला टॉपिक कर लेना। इसमें ये क्वेश्चन तो शायद क्लास में ही करा दिया है, इस टाइप का एकदम एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का सवाल करा दिया है। Which of the following are not a structure of 2-methylbutanol as pentane 2-ol configuration में
फिर डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है कायरल सेंटर के ऊपर, ये OH वाला पार्ट राइट साइड में होता है तो उसको नॉर्मली डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये डीएल नोमेनक्लेचर अलग टाइप की चीज है, ये तुम्हारे बायो मॉलिक्यूल्स का चीज है, जो ज्योत्सना पहले दिन बोली थी, ये बायो मॉलिक्यूल्स में चीज पढ़े हैं सर। एक चीज देखो यहाँ पे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जो बोले थे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अलग होता है, ये इसमें ये दो तीन क्वेश्चन छोड़ना है। चलो ठीक है, इसमें होमवर्क नोट करते चले जाओ, ज्यादा बेटर होगा। डी वन सॉल्व करना है, नहीं सुपर इम्पोजिबल, नॉट सुपर इम्पोजिबल, अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी वन छोड़ देना, डी वन नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स, डी सेवन, डी एट, डी नाइन, डी इलेवन, डी थर्टीन, डी सिक्सटीन, E2, E3, E4, E5, E11, E13 तो लो सॉल्व कर ही चुके हैं। हाँ ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, सेक्शन ए बी सी वाले पार्ट को उसके बाद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में एनेंशियोमर डायस्टीरोमर क्या होता है, इस चीज का डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हारा जो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर है, ये डिस्कशन होगा। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, और उसी में हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ साथ फिर डीएल नोमेनक्लेचर वाला पार्ट और ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये तीन टॉपिक का डिस्कशन हम लोग उसके बाद कर लेंगे। वो छोटा छोटा टॉपिक है, उसको हम लोग कहीं पे भी डाल सकते हैं। ये चीज बोल रहा है प्लेन क्लोराइड लाइट, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन, ये चीज क्या होता है, उसको हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। और तो कुछ अभी बचा नहीं है करने को, मिक्सचर, हाँ ठीक है, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। माइन इन्वर्जन अभी तो नहीं किया है। जे फोर, जे फाइव, जे फाइव बहुत अच्छा सवाल है। J7 ट्राई करके देखना, इसका आइडिया लग चुका है सुडो कायरल सेंटर। J7 एक चीज दिमाग ला के देखना, हम चाहेंगे कि क्वेश्चन में दिमाग ला के देखो। J10 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर बोला, हम एक हिंट दे देते हैं। जो हम लोग पहले डिसीजन किए थे कि कॉइन को टॉस करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, कॉइन को जब टॉस करते हैं तो उस केस में तुम्हारा ये होता है हेड टेल होता है। तो यहाँ जैसे कायरल सेंटर है, यहाँ एक कायरल सेंटर है और यहाँ की पार्ट में डबल बॉन्ड है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बस हम बता दे रहे हैं, पहले डबल बॉन्ड में सिर्फ ट्रांस सोच लेना, डबल बॉन्ड में सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है। फिर कायरल सेंटर में दो ही कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस होता था तो कायरल सेंटर में आर हो सकता है या फिर एस हो सकता है। तो पहले वाले पे आर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे पे आर कॉन्फ़िगरेशन, पहले वाले पे आर, दूसरे पे एस, पहले वाले पे एस, दूसरे पे आर और दोनों पे एस, तो ट्रांस में भी ऐसा ही कुछ निकल के आएगा। फिर उसको रिलेट करके देखना इस सवाल वाले पार्ट से। और तुम लोगों को क्योंकि बता दिया है कि कुछ पार्ट कॉमन होने पे रिजेक्ट हो जाता है, तो ये चीज सोच के देखो। तुम लोगों को ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में सारे डायग्राम के साथ मेंशन किए थे, ये चीज सोच के देखना है क्या पार्ट रिजेक्ट होगा, किस तरीके से रिजेक्ट होगा, क्या सोच के देख सकते हैं। कुछ सिंपल टाइप के एग्जाम्पल्स को लेकर के रिलेट करके देखना, या हम लोग जब स्टीरियो आइसोमर का कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा। हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, करेंगे उसके अगले क्लास में डिस्कस, लेकिन फिर भी एक बार सोच के देखना, टाइम है तुम्हारे पास J10 वाले पार्ट को, कि अगर हमको
कॉइन के टॉसिंग के टाइप से, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में रिलेट किया था, सेम टाइप से अगर इधर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर रिलेट करना हुआ तो हम कैसे रिलेट करके देखेंगे. पहले एक छोटा एग्जांपल ले लेना कि एक डबल बॉन्ड हुआ जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है और एक ही कायरल सेंटर है, तो उस केस में क्या होगा. तो सिस हो गया, फिर यहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस हो गया, यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन. तो सिस में दो पॉसिबिलिटी, ट्रांस में दो पॉसिबिलिटी, मतलब टोटल चार पॉसिबिलिटी है. फिर उसके बाद सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो क्या लेके चल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो क्या लेके चल सकते हैं. खुद से एक बार थोड़ा बहुत दिमाग लगा के देखना. टाइम है तो मेरे पास 2-3 दिन 4 दिन का टाइम है, आराम से दिमाग लगा के देखना, मजा आएगा इस चीज को करने में. क्योंकि अगर कभी जेईई एडवांस में या मेंस में सवाल आएगा तो कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड आएगा. नीट में सवाल आएगा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो नीट के लिए दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कैलकुलेशन करने आना चाहिए उन लोगों को, ट्राई करके देखना. बाकी तो और अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस कर पाएंगे शायद. हाँ ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर देंगे. तो आज के लिए इतना ही, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से. बताओ भाई कोई डाउट है तो. हाँ, प्रैक्टिकल यूज क्या है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का? प्रैक्टिकल यूज क्या है? यार एक तो थोड़ा मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है, मतलब जो हम लोगों को कंसिडर करना होता है, जैसे मॉलिक्यूल में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, उस प्रोडक्ट में क्या वेरिएशन हो सकता है, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बन के आ सकते हैं. जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स का कोई प्रैक्टिकल यूज तो हम कभी सोचे नहीं कि क्या होगा. जैसे ज्योमेट्रिकल में कि हम लोग का फिजिकल पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट अलग है, रिएक्शंस में कहीं कहीं पे एक सर्टेन टाइप वाला पार्ट रिएक्शन देता है, एक सर्टेन टाइप वाला पार्ट रिएक्शन नहीं देता है, तो फिर वहां तो रिलेट करना आसान है. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एक ही प्रैक्टिकल यूज सकता है अगर हम लोगों को एक लाइट को रोटेट कराना हो, उसका कोई एप्लीकेशन, मतलब लाइट के रोटेशन से अगर हम लोगों को कोई एप्लीकेशन है तभी ऐसा कुछ यूज कर पाएंगे. जैसे रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल यूज क्या है? रिफ्रैक्शन होता है, फिनोमिनन है, मालूम है, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज है क्या अपने पास? कोई भी रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल यूज जो तुम्हारे दिमाग में हो. सर रेनबो का फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है. वो भी एक फिनोमिनन हो गया ना, मतलब प्रैक्टिकल यूज मतलब हम लोगों के लिए कोई प्रैक्टिकल यूज है क्या उसका? हम वैसा चीज सुनना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्शन. हाँ ये हो सकता है कि हम लोग डिस्को लाइट में इस चीज को यूज करते हैं, जो कलरफुल लाइट आता है तो उसमें उस चीज को यूज कर लेते हैं हम लोग, अलग अलग एंगल्स पे उसको लेकर के आते हैं तो वो बनता है. जैसे रिफ्रैक्शन एक नेचुरल फिनोमेना है, तो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन एक नेचुरल फिनोमेना हो रहा है. वो नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट को एक थ्योरी के जैसा बोल रहे हैं, एक फिनोमेना के जैसा बोल रहे हैं. तो वैसा ही कुछ फिनोमेना होता होगा. ये चीज तो तुमको गूगल करना पड़ेगा, इसमें गूगल करने में हम बोल भी देंगे क्योंकि हमको आज तक कभी प्रैक्टिकल इसके यूजेबिलिटी हम तो कभी देखे भी नहीं. कभी कोई चीज रीड करते वक्त दिखाओ, प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी हमको नहीं दिखाई दिया है. तो कर एक बार गूगल करके देखो. एक वो तो वही है कि चलो एंगल ऑफ मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है तो उससे उसका लेकिन प्रैक्टिकल यूज क्या समझ में आ रहा है? समझ में तो नहीं आ रहा है ऐसा. लाइट सेवर में यूज करेंगे तो बात अलग बट उसका तो प्रैक्टिकल यूज तो है नहीं, तो मर्डर करने के लिए यूज किया जाएगा. सर हमको तो पढ़ाई करने का ही प्रैक्टिकल यूज नहीं आता. पढ़ाई करने का प्रैक्टिकल यूज थोड़ा बहुत तो है. पॉलीमर में डेफिनेटली इसका यूज होगा. पॉलीमर्स में जैसे लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह सब जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, सेल्फ लाइट इमिटिंग पॉलीमर्स वगैरह बन रहे हैं, उन सब चीज में डेफिनेटली इस चीज से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ यूज होगा ही होगा. कैसे हो सकता है ये हमको नहीं पता, तो कुछ नहीं बोल पाएंगे. करो गूगल करके देखो इस चीज को, ये चीज गूगल करना जरूरी चीज है. और कोई डाउट? पढ़ाई के एप्लीकेशन है, मैथ्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, हम लोग को नहीं पता चलता है बट एप्लीकेशन है. हम लोग कल डिस्कशन हो रहा था व्हाइट हेड जूनियर पे, छठे क्लास वाले बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं और ये बोल रहे हैं एड में. मेरा एक दोस्त है वो 5 बार उसका मेंस क्लियर हुआ, मतलब पीटी क्लियर हुआ है यूपीएससी का, 5 बार उसका मतलब कॉलेज के बाद से उसका पीटी क्लियर हो रहा है,
बट एक बार भी उसका मीन्स नहीं क्लियर हुआ, वो छोड़ दिया कि अब हम नहीं कर रहे। उसी से डिस्कशन हो रहा था कल, तो बोल रहा था कि व्हाइट हेड जूनियर वाला लोग क्या ग्रह बना रहा है और पेरेंट्स लोग कैसे सिखवा दे रहे हैं। छठे क्लास में बोल रहा है कि दसवां क्लास जाते जाते गूगल ज्वाइन कर लेगा। अरे गूगल ज्वाइन करने के लिए कुछ एक रिप्रेशन करके कुछ होता है एल्गोरिथम या पता नहीं क्या मैथमेटिकल पार्ट है, वो सीखना पड़ता है। तो उसको सीखने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल का मैथ चाहिए। अब कोडिंग सिखा देंगे बट वो यूनिवर्सिटी लेवल का मैथ्स कहाँ से सिखा पाएंगे? कोडिंग का को लिखने के लिए उसमें मैथ्स जरूरी है, लॉजिक लिखने के लिए उसमें मैथ्स का पार्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। वो मतलब वो लोग अभी बोल रहे हैं कि सिखा देंगे, पता नहीं सब लोग अभी से ही गूगल में जाना शुरू कर देगा। ऊपर से पेरेंट्स और बेवकूफ है वो लोग और मजे से कि हाँ मेरा बेटा तो कोडिंग करके अभी से ही ऐप बनाने लग जाएगा। तुम लोग ऐप बनाओ यार, क्या है ये सब फालतू चीजें पड़ा हुआ है, आराम से ऐप बनाओ, टिकटॉक वीडियो बनाओ। आठवां क्लास का स्टूडेंट टिकटॉक वीडियो बना करके डालते रहता है। चलो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क कंप्लीट करके आना और इस क्वेश्चन को सोच करके आना, उसके बाद जो भी एबीसी सेक्शन दिया था उसको ट्राई करके आना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।